दिन होते थे। और ये देखिए पहली गेंद खेलने का प्रयास और पूरी तरह चकमा दिया, बाल बाल बच गए वहां पे। गेंद अब भारी किनारे से दूर थी नहीं, कोई नई चीज करने की। ये देखिए अपील करिए, मोहम्मद आमिर तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, शायद DRS भी लेंगे। ये देखना होगा, अलीम डार जो एम्पायर है वो कन्विंस नहीं है। कुछ आवाज तो आई थी, निश्चित तौर पे आवाज आई थी और DRS ले लिया है। Well, through. Okay, we've got a spike. The ball's next to the bat with no gap. We've got a spike with the ball's next to the bat. Let you know when you're on screen. On screen signal now. जी हम बदल लिया निर्णय, अलीम डार ने निर्णय बदल लिया क्योंकि मोहम्मद आमिर की बिल्कुल सोच सही थी। ये पहली विकेट का पतन वापस जाते हुए कप्तान साहब। ये है राइट, बिल्कुल सही लेंथ, बिल्कुल सही लाइनमेंट मुश्किल होता है। टूर्नामेंट जितवाने के लिए आपको एक से ज्यादा प्लेयर चाहिए होते हैं फॉर्म में। स्वीप मारी और सीधा फील्डर के पास, और मेन खिलाड़ी जिस पे ये डिपेंड कर रहे थे क्रिस लेन आउट हुए और उनको आउट किया हसरंगा ने। अगर आप गौर से देखेंगे 1-2 हसरंगा जो फील्ड की सजावट थी वो अपने जाल में फंसाया, जानबूझ के वहां पे गेंद डाली थी। और ये अब रिएक्शन देखिएगा किस तरीके से तेरा वहीं पे तो, कैच का मौका था, बहुत आगे आ गए थे वहां पे, वो चूक हुई वहां पे, मौका था, होना चाहिए था वो कैच। याद है अबू धाबी मुकाबला था वो। और कमाल की गेंदबाजी अपील की है आजम खान ने, लेकिन बॉलर वहां पे इंटरेस्टेड नजर आए नहीं रहता है। ये अच्छा कमबैक, पहली तीन गेंदों में 12 रन दिए जरूर थे। कमाल की लेंथ और ऐसा लगा कि थोड़ी सी उंगलियां फेरी, थ्रू द लाइन खेलना चाह रहे थे। बड़ी विकेट ये जॉन कॉक्स की। गेंद जो है ना थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, थोड़ा ग्रिप पर ग्रिप हुआ, गेंद पिच के ऊपर सीम गिरी और आसान कैच यहाँ आजम खान के लिए। 234 छक्के लगे, यानी कि 234 किट्स है वो बांटी गई। वगैरह भाई और कुछ मांग लेते। मेरी गिनती सिर्फ रन गिनने की नहीं थी, मेरी गिनती ये भी थी कि विकेट मत गिराइएगा। विकेट पे विकेट गिर जाती है, एक अच्छा ओवर कहीं आता है तो उसके बाद ये होता है। बल्ला लगा पैड पे लगा, पिथराना की किस्मत उनके साथ। किस छटका पाए, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन भी। ये चैनल जो है ना, जो कॉरिडोर है, ओ इस बार क्या कैच पकड़ा है, क्या जबरदस्त कैच है, ओहो हो मजा ही आ गया। ये गेंद ट्रैवल कर रही थी पर आसान रहता नहीं है फॉलो थ्रू पे। ब्रैथवेट साहब आपने कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया वो रिफ्लेक्स। जाएगा ना ये तो पंजाबी रेस्टोरेंट में हम जाएगा तो उधर मक्के की रोटी मिलती है। मकंदा जुबेर आते हुए अपने अब तीसरे ओवर के लिए, पिछला ओवर काफी महंगा साबित, पर यहाँ पे विकेट, यहाँ पे विकेट है एलेक्स हेल्स, इनको वापस जाना पड़ेगा। इसी की अब दरकार थी, वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास, टाइमिंग बैठा नहीं और एलेक्स हेल्स की एक प्राइस विकेट। हेल्स को गेंद कुछ देर के लिए हवा में लटकी, वहीं एलेक्स हेल्स भी शरीर से बहुत दूर थी, खेलते मान पता था कि एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पे देखिए कट करने का प्रयास, गति की हम बात कर रहे थे वही नजर आ रही है क्रिस जॉर्डन द्वारा। पावर हाउस आजम खान और विकेट का मौका, यहाँ पे सीधा हाथ में, मनरो ने कोशिश की थी विनिंग शॉट खेलने की लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, उसे पानी के हाथ लगी सफलता, लेकिन मनरो को जाना होगा वापिस, लेकिन इस तरीके से अपने विकेट गवाई। छोटी गेंद थी, कनेक्शन बेहतर नहीं हुआ था, खेलना स्क्वायर लेग पर चाहता था लेकिन मिड विकेट की दिशा में।